आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना कि एटम की साफ क्या है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। पहले तो एटम पढ़ लेते हैं, एटम क्या होता है। हमारे पास कोई भी चीज़ है ना, वो एटमों से मिलकर बनी है। ये मार्कर है, बोर्ड है, कुछ भी है, उसको मादा बोलते हैं, ठीक है। तो मादे में जहर सी बात है, कुछ ना कुछ मटेरियल है जिससे वो बनी है, और उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम बेसिकली है क्या, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, वो छोटे छोटे ज़रात होते हैं किसी भी चीज़ की बनावट के अंदर, किसी भी चीज़ को बनने के अंदर जो छोटे छोटे ज़रात हैं उस चीज़ के, उसको हम एटम का नाम देते हैं। एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको हम तकसीम भी नहीं कर सकते। और उसके जो पार्टिकल है उनको हम देख ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह। तो कोई भी मटेरियल है, कोई भी मादा है, वो किससे बना है, एटम से मिलकर, ठीक है। एटम की मजीद अगर हम उसको डीपली स्टडी करें तो एटम के अंदर हमें मजीद कुछ पार्टिकल मिलते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तक नाम। तो एटम की डेफिनेशन लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो एटम है, एटम के अंदर क्या चीजें मौजूद होती है, ये किस तरह जो सा है तकसीम हुआ होता है किसी मटेरियल के अंदर। तो एटम की कुछ बेसिकली जो चीजें हैं ना, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ क्या फिगर आपको दिखाऊँ, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सेंट्रल पार्ट या मेन पार्ट कहने एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके गिर्द शेल्स होते हैं, इनको मदार बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं, रास्ता कई होते हैं इस तरह से। सेंट्रल में हिस्सा जो होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएं ये शेल्स हैं, पहला शेल, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन शेल्स को हमने नाम दिए होते हैं, पहले का के, दूसरे को हम एल कहते हैं, तीसरे को एम और चौथे को एन, और अगर से भी मजीद हो तो एम एन ओ पी, जो इस तरह आगे चलते रहते हैं। तो सेंट्रल में पार्ट है वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक तो इसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, दूसरा इसमें न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन्स को एन से जाहिर किया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये जस्ट पार्टिकल है। इधर हम लिख लें, अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पे एक तीसरी चीज और भी होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, किसी भी एटम में न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्बिट्स हैं उनको शेल बोलते हैं, ऑर्बिट्स आर शेल, मदार बोलते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में आठ, तीन, चार, पहले में दो, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा आठ आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तीसरे में हमारे पास 18 आते हैं, और अगर हम चौथे में जाएं तो 32। अगर इससे मज़ीद शायद आए तो वो फार्मूला है हमारे पास 2n2। इस फार्मूले के तहत हम बता सकते हैं कि पहले शायद में, दूसरे शायद में, तीसरे में और चौथे में, पांचवें, छठवें, सातवें, इस तरह हम काउंट कर सकते हैं कि किस शायद में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एन हमारे पास 1 से लेके 2, 3, 4, 6 चलता जा रहा है। अब
चार हमारे पास सेल हो तो एन की जगह पे हम चार लगा दें, तीन है तो तीन लगा दें, दो है तो दो लगा दें। यहाँ पर हम दो रखते हैं, अगर हमारे पास किसी एलिमेंट में दो सेल आ रहे हैं तो दो कमर का चार दो बार आठ, यानी कि दूसरे सेल में हमारे पास आठ इलेक्ट्रॉन आएंगे। वही तरतीब दो आठ अठारह और बत्तीस पर तरतीब हमने जेन में रखनी है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी एटम के शेल्स में, इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन उनके जो साइन है वो अपोजिट है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ना प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच सकते हैं और ना इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन अपनी तरफ खींच सकते हैं, सिर्फ उसी फोर्स की वजह से। लेकिन एक सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों ही बराबर हैं, सिर्फ चार्ज उनके ऊपर डिफरेंट है, इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के पास पहुंच जाए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंच जाए। यहाँ पे दूसरी और फोर्स है जो न्यूक्लियस की फोर्स है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को बांधे हुए हैं ताकि वो इन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करें। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे वो फोर्स भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, फोर्स कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा फोर्स जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो इन इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल के ऊपर है उनके ऊपर फोर्स लग रही है, फिर ऐसा ऐसा कम होते होते बहुत कम हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का होता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर के रिजल्ट फ्री हो जाता है। अगर मैस की बात करें तो प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से बहुत ज़्यादा होता है, 1837 गुना जो उनसे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का अगर हम मैस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों मैस सेम होते हैं, मैस में सेम होते हैं, लेकिन चार न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन में चार्ज कुछ भी नहीं है। एटॉमिक नंबर आ रहा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। डेफिनेशन हम लिख लें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, इसको हम एटॉमिक नंबर से जाहिर करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक है तो हम उसको एटॉमिक नंबर क्या बोलेंगे, उसका एक एटॉमिक नंबर। इसी तरह कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उनसे हैं वो छः हैं, उसका भी एटॉमिक नंबर फिर क्या हो जाएगा, छः हैं। किसी भी एटम में जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कभी बराबर हो सकती है और कभी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की तादाद हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम है, इसको हम जी से जाहिर करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, कैपिटल जी से, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास अगर हम मास नंबर की बात करें, मास नंबर ऑफ एटॉमिक मास, तो यहाँ पे मास क्या होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, तो वहाँ कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है, उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो फिर मास नंबर या एटॉमिक मास क्या बन जाएगा, किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, इनको हम ऐड करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एटॉमिक मास है या मास नंबर है, और इन टोटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए से हम जाहिर करते हैं। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स का आपको जी से, और किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम ए से, जो कि हमारे पास मास नंबर है, जाहिर किया जाता है। और किसी एलिमेंट को अगर हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बेस पर अगर लिखना चाहें तो उसका लिखने का तरीका ये है कि एक्स ए और जी इस तरह हम लिखते हैं। एक्स वो एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, हाइड्रोजन ले लें, कार्बन ले लें, सल्फर ले लें, जो भी है। ए उसका ऊपर पहले ऊपर एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखेंगे और नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ऐसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हम हीलियम ले लें या हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लेते हैं, हीलियम ले लें तो हीलियम में हमारे पास चार और दो, यानी कि चार उसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर उसका दो, मास नंबर चार और एटॉमिक नंबर दो है, तो उसका फार्मूला हमारे पास है Z A माइनस जी बराबर है एम जी। और किसी भी एटम में अगर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालना चाहें तो हम इस फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एन कौन सा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए उसका एटॉमिक मास और जी उसका एटॉमिक नंबर जाहिर करेगा। अब हीलियम हम देख रहे हैं, हीलियम के पास टोटल क्या है, चार उसका मास नंबर है और दो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दो है, तो चार में से दो करेंगे हमारे पास दो क्या आंसर आएगा, दो, और यही इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं, होते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं भी सेम होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये दोनों सेम होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।